हेलो गाइज, वेलकम टू पेट्स विद। तो आज हम आपको दिखाएंगे मेरे पास क्या क्या सेटअप है। आज बहुत दिन बाद वीडियो मिला रहे हैं हम, तो देखते हैं क्या क्या है आज। पहले शुरू करते हैं मेरा आउटडोर बजीज सेटअप के साथ। यहाँ पे मेरे पास चार बजीज है। कैमरा थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। बहुत ही अच्छा बजीज है। इनके ब्रीडिंग के लिए मैंने मटका भी दे दिया है अंदर, और एक बल्ब भी लगाया है 100 वोल्ट का। बल्ब दिखा दो कैमरा। ये रहा बल्ब सेटअप। और खाने में इनको मैं देता हूँ मिक्स सीड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ सैंपल कैसा है बाद में। बहुत ही प्यारा सा बर्ड्स है। डर गए शायद बर्ड्स। ठीक है, इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। शुरू करते नया सेटअप के साथ। ये मेरा दूसरा सेटअप, लव बर्ड्स का सेटअप, देख सकते हो गाइस। ये है मेरा मेल, और इसके अंदर मटका के अंदर फीमेल भी बैठा है। वो शायद एक ले करेगा कुछ दिनों में। पेट भी फूल गया है उसका, तो डर के मारे उसके अंदर घुस के बैठे है सब। ठीक है, आपको क्लोजअप शॉट दिखाते हैं, रुक जाइए। ये रहा मेरा मेल फीमेल लव बर्ड्स। ऊपर से भी दिखाते हैं तो गाइस कितना अच्छा है। कुछ महीने पहले ये अंडा ले भी किया था, मैंने वीडियो दिखाया था आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते तीसरे सेटअप की तरफ। इनको ज्यादा तंग नहीं करते हैं लव बर्ड्स, अभी ब्रीडिंग सीजन में है तो इन्हें ज्यादा तंग नहीं करेंगे। तो आइए पास वाले सेटअप पे। यहाँ पे है रेनबो बजीज। एक्जोटिक बर्ड्स नहीं आता है ये रेनबो बजीज। बहुत ही प्यारा है, अभी डर गई है शायद। बहुत ही प्यारा है। अब इनको खाने में लव बर्ड्स को सब लोग पूछेंगे कि खाने में हम क्या देंगे ब्रीडिंग सेशन में। तो देख लीजिए मैंने क्या दिया है, सिर्फ सनफ्लावर सीड्स दिया है, और यहाँ पानी है बस, और कुछ नहीं देना, सिर्फ सनफ्लावर सीड्स देना है बस। मिक्स सीड्स, वो जो होता है कैनरी सीड्स, वो सब अभी बंद करना पड़ेगा ब्रीडिंग सेशन में। सिर्फ सनफ्लावर सीड्स देना पड़ेगा, और कभी कभार जो होता है पालक का साग वो सब देना पड़ता है, तुलसी लीव्स देना पड़ता है। वो सब ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, जरूरत के हिसाब से देना पड़ेगा। और इसको भी मैं कभी कभार देता हूँ, पालक का साग खाती है, फेंक भी देती है। ठीक है, इनको इसको मैंने दिया है मिक्स सीड्स। ठीक है चलो। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक बजीज का छोटा सा सेटअप बनाया है। कैमरा दिखाओ सेटअप। असल में मैं ये बनाने में वाला था, तब एक दोस्त ने बोला उसके पास कुछ बजीज का बच्चे है, तो उसका पेरेंट्स मर गए हैं, तो बच्चे संभाले नहीं जा रहे उससे, तो मैंने लेके आ गया उनसे। इसीलिए मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिया है कैनरी सीड्स इनको, और उस प्लेट में पानी है बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। फिर खाने देने का मतलब पानी देने का जो जगह होता है वो नहीं है फिलहाल, लेके आऊँगा शाम तक, फिर देखते हैं। और यहाँ पे है वो बजीज के बच्चे, बहुत ही प्यारे हैं, फिलहाल अभी तक उड़ नहीं सकते। इसका मम्मी पापा दोनों मर गए, पेरेंट्स जो भी थे फीडिंग करा रहे थे इनको, वो कुछ दिनों तक अपने हाथों से हैंड फीडिंग करा रहा था, तो अब उससे नहीं हो रहा है, तो वो मुझे दे दिया संभालने के लिए, तो मैंने लेके आ गया। बहुत ही एक्टिव है, देख सकते हो गाइस, मतलब क्या ही बोलूं। तो केज के अंदर जाओ, बहुत ही मतलब प्यारा है।
अभी मुझे पहचानता नहीं है ना, पहले दूसरा मालिक के पास था, अभी मेरे पास है। चलो अंदर जाओ, अभी कुछ दिन होगा तो शायद मेरी बातें मानने लगेगा, हैबिटेट हो जाएगा। तब देखते कैसे लगता है इनको अपना घर, नया घर। छोटा है पर ठीक ठाक से खाना पीना सब कुछ दे दिया है इनको। फिलहाल इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। अब बड़े वाला सेटअप में डालूंगा तो वो लोग शायद मार देगी इसे, तो फिलहाल यहीं पे डालना पड़ेगा उन लोगों को। कलर भी बहुत प्यारा है इनका। फिलहाल मेरा बर्ड्स का कलेक्शन हो गया खत्म। अब आते हैं मछली की तरफ। यहाँ पे है मॉली फिशेस के बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, देख लीजिए कैमरे में दिखाई दे रहा है, उधर लो सामने, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब दूसरा सेटअप दिखा। एक्वेरियम का ये सबसे बड़ा सेटअप है मेरे पास और सबसे पुराना भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर मैंने रखा है चिकलेट फिशेस। ये चिकलेट फिशेस इतना एग्रेसिव है, एक मटका दिया था इनके साथ, मटका तक इन्होंने तोड़ दिया, इतना एग्रेसिव है। यहाँ पे एक ऑस्कर फिशेस भी है, ये वाला ऑस्कर फिश है। उसके पीछे एक जायंट पोलर पैरट भी है, पोलर पैरट सॉरी नॉर्मल पैरट है ये। और मैलेवे चिकलेट्स भी बहुत बड़े बड़े साइज के हो गए अभी, देख सकते हो। और इतने एग्रेसिव है कि खाना देते ही टूट पड़ते हैं, देखिए। अब इधर है मेरा विडो फिशेस, ये कलर विडोस है, सबसे सस्ता मछली मेरे पास जो अवेलेबल है अभी यही है। सेटअप बहुत गंदा हो गया, अब साफ करना पड़ेगा। अब 2-3 दिन बाद करेंगे टाइम मिलेगा तो, अभी टाइम नहीं हो रहा है। अब इधर है गोल्ड फिशेस इस सेटअप में, है गोल्ड फिश, वो मैं 120 रुपये का देता हूँ। बाकी जो साइज का है, बाकी जो भी ले लो 30 रुपये का आएगा, कोई भी कोई सा भी 30 रुपये का। और मैं सिर्फ मछली बेचता हूँ, बर्ड्स फर्ड्स अभी बेचता नहीं हूँ मैं अभी, सिर्फ मछली मिलेगा मेरे पास। अगर किसी को लेना है तो ऑनलाइन अगर लेना तो 600 रुपये के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फिर तो डिलीवरी में नहीं होगा, डिलीवरी पैसा ज़्यादा हो जाएगा ना इसीलिए। तो इधर है मेरा पोलर पैरट्स, इसको मैंने अकेला इसलिए रखा है कि वहाँ पे बच्चा है, इसने ब्रीडिंग किया है, ब्रीडिंग कंप्लीट भी हुआ है। बच्चे दिख रहे हैं इसके कैमरे में, हाँ छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। और इधर भी है कुछ, सामने दिखो इधर सामने एकदम, हाँ इधर यहाँ भी कुछ बच्चे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये मम्मी जो पोलर पैरट है ये फीमेल है, तो खाना देते ही ये ऊपर आ जाती है, ये देखिए। अभी थोड़ा सा डर रही है, कैमरा है शायद, पीछे लाओ कैमरा थोड़ा सा। और इसे डर के पीछे जा रही है। ये क्या करती है, खाना को लेती है खुद ही अपने मुंह में छोटा छोटा पीसेस में बांट लेती है, फिर बच्चों को खिला देती है। ये है इनका फीडिंग प्रोसीड्योर, आपको कुछ नहीं करता होता अलग से। और जैसे कि आज संडे है तो आज कोशिश करेंगे लाइव फीड कराने का इनका, तो देखते हैं अगर लाइव फीड कराएंगे तो इसी वीडियो में डाल देंगे, वरना तो नहीं होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही बस। सारे सेटअप मेरे पास जो भी थे पीसेस का बर्ड्स का सब इसी वीडियो में दिखा दिया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पैरोट सुदीप्त को मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।